नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैकोमेट्रिक सर्वे में नेचुरल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टाडिया टैकोमेट्री। ठीक है जी, तो क्या रहेंगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारे जो ओरिजिनल डिस्टेंसेस हम कैसे मेजर करते हैं, फ्रॉम द बेंचमार्क स्टेशन या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द स्टाफ स्टेशन। ठीक है जी, तो हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन है। The constants f by i constant कौन सा होता है? हमारा additive constant, sorry multiplying constant होता है, जिसकी values हमें given हो सकती हैं अलग अलग जो हमारे questions के according। ठीक है जी, तो numerical problems के according and f plus d, जो f plus d रहेगा ये हमारा कौन सा रहेगा? additive constant होता है। ठीक है जी, ये कौन सा कांस्टेंट रहता है? हमारा एडिटिव कांस्टेंट, और ये हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए सर्टेन टैकोमीटर, ऑफ ए सर्टेन टैकोमीटर, ऑफ ए सर्टेन टैकोमीटर वर 100 and 0.3 वर 100 and 0.3 respectively, और हमें given है जो हमारे readings आई हैं, the readings of the three diaphragm hairs, the readings of the three diaphragms hairs, जो तीन डायफ्राम हेयर्स की जो रीडिंग्स आई है वो क्या होनी चाहिए? ऑन ए स्टाफ हेल्ड एट वर्टिकल, ऑन ए स्टाफ हेल्ड एट वर्टिकल, हेल्ड एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वर फाउंड टू बी, वर फाउंड to be 1.16, 2.40 ये readings हमने observations की हैं, observe की हैं। ठीक है, from the station to the staff 3.44। ठीक है, तो ये values जो है हमारी telescope 3.44, the telescope being horizontal, the telescope being horizontal, ठीक है जी, और the find the horizontal distance on the staff, find the horizontal distance, find the horizontal distance from the staff, distance of the staff from the instrument, from the instrument axis, from the instrument axis, ठीक है जी, and the RL of the staff, and the RL of the staff, तो RL हमें given है, RL of the staff point if the RL of instrument, point if the RL of instrument axis is 80 meter। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है हमारे पास? The constant f by i, यानी कि constant f by i और f plus d, ये हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, और ये हमारा कॉन्स्टेंट कौन सा है? एडिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो एडिटिव कॉन्स्टेंट ऑफ टैकोमेट्री क्या? मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट और एडिटिव कॉन्स्टेंट कौन कितने हैं? 100 है और 0.3 है रिस्पेक्टिवली, और रीडिंग्स ऑफ द थ्री डायफ्राम, थ्री डायफ्राम हेयर्स, तो थ्री डायफ्राम हेयर्स की जो रीडिंग्स आई हुई है वो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हमने ऑब्जर्व किया वो कौन सी है? 1.16, 2.40 और 3.40।
4-4, ये तीन रीडिंग्स हमने ऑब्जर्व की हैं फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द स्टाफ स्टेशन, ठीक है जी। तो तीन रीडिंग्स हमने ऑब्जर्व की यहां से, तो फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से लेकर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्टाफ स्टेशन से लेकर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन तक, वो फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, और इसका RL हमें फाइंड आउट करना है स्टाफ पॉइंट का। तो स्टाफ पॉइंट पे रिड्यूस लेवल कितना है वो फाइंड आउट करना है। अगर हमें RL दिया हुआ है किसका, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का, अगर 80 मीटर हमारे पास रिड्यूस लेवल है तो स्टाफ पॉइंट पे हमारा रिड्यूस लेवल कितना होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कितना रहेगा। तो देखते हैं जो फ्रॉम द जो इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की है, वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए जो इक्वेशंस हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम कौन सी जो इक्वेशंस है सॉल्व यूज करते हैं। तो अब यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करें तो d इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, क्या रूल रहेगा, f by I s plus additive constant f plus d। तो सिंपल है हमारे पास ये इक्वेशन जो है मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ टू द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। तो f by I हमारे पास क्या है, एडिटिव कॉन्स्टेंट है। तो f by I एडिटिव कॉन्स्टेंट हमारे पास वैल्यू हमारे पास 100 है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमने सेटअप किया हुआ है मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट 100 पे, और एडिटिव कॉन्स्टेंट जो हमारा f plus d है वो कितना गिवन है हमें 0.3, सिंपल, ठीक है। तो यहां से हम s की, ये हमें नोन है वैल्यू, एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू नोन है, यहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टाफ इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए यानी कि s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से, तो s क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस हेयर रीडिंग्स। तो क्रॉस हेयर रीडिंग्स डायफ्राम रीडिंग्स, क्रॉस हेयर रीडिंग्स हमारे पास ये है, तो यहां इनका डिफरेंस कितना है, जो हमारा लास्ट वन रीडिंग से में से फर्स्ट वन रीडिंग अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, स्टाफ इंटरसेप्ट की। तो 3.44 माइनस 1.16 अगर मैं माइनस करता हूं तो यहां से स्टाफ इंटरसेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 2.28 वैल्यू आ गई है हमारे पास स्टाफ इंटरसेप्ट की। तो d इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट कितना है 100, स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 2.28 प्लस एडिटिव कॉन्स्टेंट कितना है 0.3। तो वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, तो यहां से हमारा वैल्यू जो आई है वो कितनी है 228.3 मीटर। तो ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, 228.3 मीटर है। अगर ऑब्जर्वेशन जो हमारी आई है, ये ऑब्जर्वेशन अगर हमने की है, ऑब्जर्व की है, जो डायफ्राम्स जो रीडिंग्स आई हैं हमारी इतनी आई है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये रूल अप्लाई करना होगा, तो ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है यहां से। उसके बाद देखिए अगर मैंने क्या करना है, RL ऑफ द स्टाफ पॉइंट फाइंड आउट करना है, द RL ऑफ द स्टाफ पॉइंट निकालना है, और RL अगर हमें इंस्ट्रूमेंट एक्सिस पे दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। तो RL ऑफ स्टाफ पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा RL है वो कितना रहेगा और कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम इसको देखते हैं, ठीक है जी। तो RL को फाइंड आउट करने के लिए RL ऑफ द स्टाफ पॉइंट इज इक्वल टू RL ऑफ स्टाफ पॉइंट इज इक्वल टू RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट
माइनस कर देंगे हम सेंट्रल हेयर रेडियस को, माइनस सेंट्रल हेयर रीडिंग्स, ठीक है जी। तो यहां से मैंने क्या किया है, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कितना है फाइंड आउट करना है हमने, स्टाफ आरएल, स्टाफ पॉइंट पे आरएल, तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस पे हमें आरएल कितना गिवन है 80, तो 80 मीटर माइनस सेंट्रल हेयर रीडिंग्स कितनी है, यहां पे हमारे पास तीन रीडिंग्स आई थी, डायफ्राम रीडिंग्स 1.16, 2.40, 3.44, सेंटर रीडिंग्स कौन सी हुई 2.40, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस कर दूंगा सेंटर रीडिंग्स को, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, स्टाफ पॉइंट पे रिड्यूस लेवल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रिड्यूस लेवल की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी है यहां पे 80 माइनस 2.40 77.60 मीटर, तो रिड्यूस लेवल आ गया है स्टाफ पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग हमें रीडिंग्स गिवन हो सकती हैं, और जो मेन इक्वेशंस हैं ये हमें याद रखनी है, जो हर एक जो हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये इक्वेशंस, जो वह है वो कौन से रहेंगी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the staff station, of the staff station from the instrument station to instrument station se staff station ka jo horizontal distance ko measure karne ke liye hamare paas इक्वेशन क्या रहती है, डी इज इक्वल टू, डी क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ स्टेशन टू द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है, एफ बाय आई इनटू एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी कोस थीटा, तो ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, ठीक है जी, को मेजर करने के लिए स्टाफ स्टेशन टू द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारा इक्वेशंस रहेंगी, इसको मैं इक्वेशन वन नाम देता हूं, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस, अगर मैंने वर्टिकल डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना है तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट, फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट टू द स्टाफ स्टेशन ठीक है जी, तो लाइन ऑफ साइट से स्टाफ स्टेशन तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, v से हम डिनोट करेंगे, v से वर्टिकल डिस्टेंसेस को, ठीक है, और क्या रहेगा f by i s sin 2 theta by 2 प्लस एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज रहेंगी हमारी वर्टिकल डिस्टेंस, ये दो इक्वेशंस मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस रहेंगी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेडिया सिस्टम्स, ठीक है। तो किसी तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो इस दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आरएल अगर हमने फाइंड आउट करना है किसी स्टेशन पे, तो जो हमारा आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस रहेगा उसमें से हम जो हमारी वर्टिकली डिस्टेंस रहेगा उसको माइनस करना होगा, और सेंट्रल रीडिंग्स को हमें माइनस करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं आरएल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, टैकोमेट्रिक सर्वे।